न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। त्योहार को लेकर गोरखपुर पुलिस अलर्ट। आगामी त्योहार और 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर हुई बैठक। सरकारी खाली भूमि पर अधिग्रहण करने की बनी तैयारी। कलयुगी टीचर की करतूत हुई उजागर। 8वीं की छात्रा ने टीचर पर लगाया छेड़खानी करने का आरोप। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा मामले की जाँच के बाद की जाएगी विधिक कार्रवाई। राप्ती तट पर निर्माणाधीन घाटों एवं नदी के किनारे अन्य बनने वाले घाटों के निर्माण को मंडलायुक्त ने किया समीक्षा, कहा समय से पूरा करें निर्माण का। प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिपराई चीनी मिल के संपर्क मार्ग की स्थिति का लिया जायजा। सड़कों के चौड़ीकरण करने के दिए निर्देश। त्योहार के मद्देनजर एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने किया पैदल गश्त। बलदेव प्लाजा व सिटी मॉल की सघन चेकिंग, नहीं मिली कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु। कैंट थाने की पुलिस जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन परिसर में आने जाने वाले लोगों के साथ ही उनके सामानों का भी किया सघन तलाशी। जहर कुरान गैंग का फरार सरगना चढ़ा बेलीपार पुलिस के हत्थे। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा खाने पीने की चीज में नशे की डोज देकर राहगीरों से करता था लूटपाट। संगठन के सचिव व अपर अभियंता के तबादले के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्यों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन, तबादला निरस्त करने की मांग। खनिज अधिकारी से बदसलूकी करने के आरोप में दबंग ट्रक मालिक को बेलीपार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा की जा रही है विधिक कार्रवाई। 13 सूत्री मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना, मांगों को पूरा नहीं होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्मान भवन में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। हिंदी विभाग आचार्य प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र की स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मानित। और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बरगदवा के पास एक बंद मकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू।